हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानिक मंडल। तो गाइस देखिए, मेरे पास एक फ़ोन आया है जो मॉडल नंबर अभी बताता हूं। ये अबाउट फोन है, पोको M2 है। इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस, ये देखिए नो सर्विस है, नो सर्विस। हम अंदर में सिम लगा है, देखा था सिम कार्ड मोबाइल में जाता है, देखिए जियो सिम लगा है लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं। तो हमको जाना है इसके अंदर, इसका मोबाइल नेटवर्क मुझे ऑटोमेटिक सर्च करना है। ओके, टर्न ऑफ डाटा, उसके बाद में सर्चिंग का ऑप्शन आया है। ये थोड़ी टाइम लगता है गाइस सर्चिंग करने के लिए, तो वेट करता हूँ। तो गाइस देखिए, हमारा जो 4G, 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 3G, 2G सब आ गए हैं। तो हम जियो 4G है, इसको हम सिलेक्ट करता हूँ। रजिस्टर ऑन जियो 4G, मुझे देखना है इसको रजिस्टर होता है या नहीं होता है। ओके गाइस, तो वेट करना है। देखिए इसमें लेकर आ गए हैं, नोटिफिकेशन आया है। ये देखिए सिलेक्टेड नेटवर्क जियो 4G अनअवेलेबल है। देखिए गाइस, तो हमारा जो इशू है, नेटवर्क का इशू है, रजिस्टर नहीं होगा। तो हम सिम को निकालना है। फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है, देखिए अभी सील है। तो हम सारा इसको ओपन करते हैं गाइस, तो देखिए सारा इसको ओपन करते हैं उसके बाद में। तो गाइस देखिए, मैं पिन ओपन कर दिया इसलिए है, नहीं तो हमारा नेटवर्क सेक्शन है। कभी क्या होता है, 2G चलता है, 3G चलता है, लेकिन 4G नहीं चलता है। 4G के लिए अलग IC कार्ड लगता है, लेकिन हमारा ये नेटवर्क सेक्शन है, तो इसी सेक्शन में हम काम करूँगा गाइस। इसमें प्रॉब्लम आया है, तो इसको पहले क्या करना है, आपको जितना कैमरा है इसको इस सेक्शन में करना है। तो गाइस इसको उठाने से पहले क्या करना है, इस साइड में जितना है इसको आपको कवर करके रखना है। तो हम देखिए जो अभी खराब होना चाहिए, जो अभी सिम का टेप है उसको आपको यूज़ करना है। इसको मास्क की ज़रूरत है, नहीं तो आपको एक कनेक्टर है जोड़ने का चांस ज़्यादा रहता है गाइस। तो जिस टाइम पर आप ये उठाना है, तो आपको मास्क की ये जो कनेक्टर है इसको कवर करके रखना है। पहले जो है कुछ एक्स्ट्रा बोर्ड में से काम करना चाहिए, उसके बाद में आपको मदर बोर्ड में काम करना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। एक चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप बोर्ड में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है तो आपको फर्स्ट टाइम जो है
इसका बोर्ड में ऐसे मतलब कोई भी कुछ ट्रैक के लिए जो जलने का चीज़ है उसको हम कवर करके रखते हैं। इसमें क्या होता है हमारा इसमें कोई इशू नहीं होता ये चीज़ भी कवर करता है। आपको हीट सिंक पे 100% ज़रूरत है, आपको कोई भी आइस उठाना कुछ भी काम करना है हमारा। साइड से पेस्ट देने से क्या होता है ये जो है वो थोड़ा सा ये हो जाता है। तो गाइस हम क्या कर दिया डीसी मशीन को जो है उसको 340 में हीट रखा है और एयर को 40 में देखिए इसको हम उठाऊंगा गाइस। एक जगह में आप स्टेबल नहीं करना चाहिए, आपको हर जगह में जिस टाइम पे एक साइड से फूटे ना उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पहले जो है घुमा के हीट देना है, एक जगह में कभी भी हीट नहीं देना है। सबसे ज़्यादा अच्छा है एक कटर, अब ये जो है इसमें आपको पीसी उठाने का बहुत अच्छा है, बहुत पतली होता है एक साइड से। देखिए कि सबको रिलैक्स से उठाना है, हम देखिए ऐसे को उठा दिया तो गाइस देखिए हम इसको उठा दिया सिम को एकदम बिल्कुल कोई हमारा पीसी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जिसमें ये जो है लगाया है इसको रिमूव करता हूँ। सो क्या होता है इसमें ये जो कनेक्टर है ये इसको जल नहीं देता है और अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये जो चीज़ कनेक्टर ये खराब होने का चांस रहता है, उसके बाद में आपको ज़्यादा भी और भी काम बढ़ जाता है। ये चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है लेकिन जो अब एक बार से जो होना चाहिए उसको दोबारा करने से क्या होता है उसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा आपको टाइम लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो काम करना तो पूरा सेफ्टी में काम होता है तो ये चीज़ भी ध्यान देना चाहिए। अभी देखूंगा थोड़ा सा रीहीट मिला है आईसी में, लगा के देखूंगा हमारा जो नेटवर्क वो आता है ना नहीं आता है।
गया, थोड़ा सा देरी ऊपर उठने के टाइम पे थोड़ा सा देरी मिला है नेटवर्क सेक्शन में। कभी कभी क्या होता है रीड में भी नेटवर्क आ जाता है, तो हम पहले आईसी को सेट कर नहीं करूँगा, तो देखना है नेटवर्क आया है या नहीं आया है। नहीं आया तो आईसी में पता चला, लेकिन सर्विस लिखा है हमारा इसी साइड का जो है इसको हम उठा के देखता हो, इसी साइड में भी हमको देखना है। ओके गाइस, तो इसलिए क्या करना है, ये भी हम उठाता हूँ, इसको थोड़ा हम स्किप करता हूँ गाइस, ये तो वीडियो जो है लंबा होता है। स्टील ये जो है, स्टील जो है हम उठाता हूँ, उसको हम वीडियो नहीं बनाता, लेकिन उसको बाद में जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके गाइस, तो गाइस देखिए हम स्टील को उठाया है, तो अभी एक बार इसमें भी रीड मिल रहा है, इसमें एक बार देखना है। उसके बाद हम पावर सेक्शन चेक करेंगे, पावर आना चाहिए, पावर आता है नहीं आता है। तो इसके बाद इसको कम करना है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं, कम नहीं होता है। आया है लेकिन लेट और टेक्नोलॉजी है वो भी आ गया है। अभी इसमें क्या किया है, घड़ी हेट मिला है, कहाँ पर है 4G आई सी जो है उस पर घड़ी हेट मिला है। तो कैसे देखते हैं हमारा नेट चलता है नहीं चलता है, नेट वाला यूट्यूब वाला इसमें कैसे रिसीट मिला है। एक सेंस से नेटवर्क आ जाएगा तो हमारा जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन होगा, एक सेंस भी नहीं आएगा तो आपको नेटवर्क आईसी में काम करना पड़ेगा, नेटवर्क आईसी चेंज करना पड़ेगा। ओके गाइस, अभी तो ऑनली रीहीट मिला है, कभी कभी क्या होता है गाइस रीहीट में भी, देखिए जियो 4G साथ साथ नेटवर्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, और हमने नेट भी चला था, लेकिन नेटवर्क का स्पीड देखिए उस टाइम पर थोड़ा सा हाई था, लेकिन अभी देखिए हमारा स्पीड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो हमारा जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी हिट में आईसी का जो है थोड़ा
वहाँ से रीहीट दिया है, रीहीट में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये जो प्रॉब्लम रीहीट जहाँ पर मिला है वो फोर जी आई सी पर रीहीट मिलने के बाद ही हमारा नेटवर्क फुल फील्ड में काम करने गया। अगर तो ऐसे प्रॉब्लम आ गया है तो आपको फोर जी आई सी चेंज करने के बाद आपको ये सोल्यूशन सॉल्व हो जाता है। तो गाइस मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए। और एक चीज़ है गाइस, आप लोगों के साथ बात करना चाहते जो है स्टेप बाई स्टेप काम करना है। ओके गाइस, जय हिंद।